नमस्कार, डिजाइनर न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। और कश्मकश चल रही थी लंबे समय से मध्य प्रदेश की सियासत में। कमलनाथ के तमाम दावे, कांग्रेस की पुरजोर कोशिशें और बहुत आचरणहीन मर्यादाहीन भाषा के बावजूद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान फतेह किया है, उसका श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को, एक शख्सियत को जाता है तो निश्चित रूप से वो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने अपनी आंतरिक विनम्रता, सज्जनता, संस्कार और संकल्पों से न केवल कमलनाथ का किला ढहा दिया बल्कि इस बात पर मोहर लगवा ली मध्य प्रदेश की जनता से कि वे ही मध्य प्रदेश के नायक हैं, वे ही भाजपा के महानायक हैं। शिवराज सिंह चौहान ने 70 से ज्यादा रैलियां की, 10 से ज्यादा रोड शो किए, दिन रात वे कांग्रेस की गालियों को झेलते रहे, कांग्रेस के अपशब्दों को झेलते रहे, लेकिन अपनी विनम्रता से पलटवार करते रहे। कभी उन्होंने खुद को कभी ना कहा, कभी उन्होंने खुद को नंगा भूखा माना, लेकिन साथ ही साथ वो जनता से अपना रिश्ता जोड़ते रहे, मामा और भांजे का। कभी वो बहनों के भाई बन जाते थे, कभी वो बुजुर्गों के बेटे बन जाते थे और कभी वो नौजवानों के मामा बनकर लोगों को लुभाते थे। 2005 से लेकर 2018 तक का 13 साल का शासन और ये 6-7 महीने का शासन में उन्होंने जो कुछ काम किया था उसको उन्होंने सामने रखकर कमलनाथ के 15 महीनों के काम को जवाब देने की कोशिश की और इसका नतीजा ये निकला कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 9 सीट जीतने में कामयाब रही है और लगभग अपनी दम पर, अगर सिंधिया गुट को हम अलग भी कर लें तो अपने दम पर वो पूरी तरह से बहुमत में आ चुकी है। और 19 सीटों में से अगर सिंधिया गुट के 13 विजयी प्रत्याशियों को हटा दें तो बाकी के 6 उम्मीदवार, 6 विजयी प्रत्याशी खालिस शिवराज के समर्थक हैं। तो अब मध्य प्रदेश में भाजपा का एक नया इतिहास, नया केंद्रबिंदु शिवराज सिंह, और क्या इस जीत का पूरा श्रेय शिवराज को दिया जाना चाहिए, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले, राजनीतिक संपादक हैं, वर्षों से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग्स कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता श्री गोविंद मालू जी, दोनों का स्वागत है। जयश्री जी, इस जीत में, भारतीय जनता पार्टी की इस जीत में शिवराज की भूमिका को किस तरह से आप आकलन करती हैं? शिवराज एक बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू है, मुझे लग रहा है कि इस चुनाव के बाद वो देश भर में एक शिवराज का बड़ा ब्रांड खड़ा हो गया है, सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं, मेरे ख्याल से वो पूरे देश भर के से पहले मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार 15 साल तक 3 बार हैट्रिक पूरी करने के बाद जब बाय इलेक्शन होते हैं उस दौरान भी वो इतनी मेजॉरिटी के साथ में अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को इतने स्थायित्व के साथ और जीत की तरफ ले जाते हैं। दूसरा, उनका जो जनता के साथ जो रिश्ता है मध्य प्रदेश की जनता के साथ, उसका कोई जोड़, उनका उसका कोई तोड़ हमें राजनीति में दूसरे दलों में या उस दल में भी या बीजेपी में भी आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी एकमात्र वजह है उनकी सहजता, जो आपने कही वही बात, और उनकी सौम्यता। तो वो जो एक भीड़ में खो जाने वाला चेहरा, अपना सा लगने वाला चेहरा, अपने नज़दीक का कोई व्यक्ति, ये जो उन्होंने अपनी इमेज, अपना परसेप्शन, अपनी अपनी पहचान को कायम किया है, वो एक बहुत बड़ी ताकत है शिवराज के साथ। और आज तमाम हालातों में, बहुत विपरीत हालात में बीजेपी ने इस बार चुनाव जीता है ये वाला। हम जानते हैं 15 महीने की कांग्रेस की सरकार के बाद कांग्रेस बहुत आक्रामक रवैये में थी, कांग्रेस के पास एक अपना खोई हुई ताकत को पाने के लिए जो जज्बा था, वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि घायल शेर या घायल नाग ज्यादा खतरनाक होता है जी, तो कांग्रेस एक घायल नाग की तरह फुफकार रही थी, घायल शेर की तरह हमला कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस कांग्रेस को, कांग्रेस से मुकाबला करते हुए शिवराज ने जिस तरह से लगातार अपना कैंपेन बहुत पहले शुरू कर दिया
मतलब मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनका जो वर्किंग था, दूसरा सबसे बड़ी समस्या ये थी कोविड की, जिस वजह से लोगों की एक तकलीफ, लॉकडाउन की वजह से तकलीफ, माइग्रेशन, बहुत सारे लेबर्स का, उन तमाम सीट्स का, खासतौर पर हम बात करें तो मालवा निमाड़ की सीट जहाँ पर माइग्रेटर बहुत ज्यादा लोग आए हैं बाहर से, में भी बहुत माइग्रेटर आए थे और दिल्ली से भी आए थे, तो उन तमाम सीटों को आप जब आकलन करते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ समस्याएं या जो मूलभूत मुद्दे थे वो सब गौण हो गए और जनता ने सिर्फ शिवराज को देखा। तो शायद इसकी वजह एकमात्र ये थी कि उनको एक भरोसा था कि एक एक काबिल सरकार, जो हितेशी सरकार और उनका जो पीपल्स फ्रेंडली जो उनकी योजनाएं थी, मैं कहती हूँ कि हमने 15 साल में इतनी योजनाएं देखी और उसको फिर देशभर में लागू किया गया, चाहे हम आंध्रा में देखते हैं या कहीं और देखते हैं दूसरे राज्यों में, तो उसको उसको उन योजनाओं को लागू किया गया तमाम दूसरे मुख्यमंत्रियों ने और दूसरे राज्यों में। गोविंद जी, जैसा कि जयश्री ने कहा कि उनका एक जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका चेहरा है, और सबसे बड़ी बात कि पूरा इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था शिवराज वर्सेस कमलनाथ, और जनता जो है वो खासतौर ग्रामीण जनता कहीं ना कहीं शिवराज की तुलना कर रही थी कमलनाथ की एरोगेंसी से, कमलनाथ के व्यवहार से, और उसने इस तुलना के तहत शिवराज को तरजीह देते हुए इस तरह का बंपर बहुमत आपको दिया कि 28 में से 19, आप कहाँ तक सहमत हैं? प्रतीक जी, जैसे ने जो कहा वो बिल्कुल किसी हद तक सही है, और चूंकि आज कोई कांग्रेस के मित्र हमारे साथ नहीं है, लेकिन 15 महीने में ये मालूम था कि चुनौती तो सामने शिवराज की है। 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनके चेहरे को आगे रखकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, इस बार भी चेहरा वही थे, क्योंकि जो लीडर होता है, कैप्टन होता है, वो आगे रहता है तो उसी के प्रति और उसी को श्रेय भी मिलता है और अप्रेय भी उसी के खाते में जाता है। तो जिसको ताली उसको गाली, किसने, हाँ बिल्कुल, तो किसने मना किया था कांग्रेस को? पहले उनको ये देखना था कि ये शिवराज जी का चेहरा, शिवराज जी के जनता से आपने जैसे बताए संबंध, उससे बड़ा कोई बात होती तो जनता उनको स्वीकार करती, लेकिन वो 15 महीने में ऐसा कहीं लगा नहीं कि कोई बड़ा विकल्प उन्होंने पैदा करके सामने जनता के बीच में प्रस्तुत किया हो। कांग्रेस में विकल्प हो सकता है, जनता में कोई विकल्प नहीं था कमलनाथ जी, और आइसोलेशन की सरकार मैं इसको कहूँगा, कोविड तो बाद में आया लेकिन 15 महीने आइसोलेशन पीरियड सरीका कमलनाथ जी ने पूरा समय निकाला, वल्लभ भवन में सुबह से शाम तक बैठना और 4 लोगों से भी नहीं मिलना, और उसमें भी अधिकारी ज़्यादा, जनता के और नेता के लोग कम, तो ये जो दूरी थी उससे न संवाद था, न कोई उनसे अफेक्शन था, न कोई उनसे अटैचमेंट था, न कोई उसके बारे में फीडबैक उनके पास था। ये कमलनाथ की बात हुई, लेकिन लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी 15 साल का अपना शासन को रखा और हमको लोगों ने नकारा नहीं, हमें लोगों ने पूरा नहीं स्वीकारा, कांग्रेस को भी पूरा नहीं स्वीकारा, तो हमने फिर 15 साल के हमारे कालखंड को रखा, 15 महीने की इनकी सरकार के काम को रखा और हमारे 4-5 महीने के, 6 महीने के जो काम थे उनको रखा। मैं समझता हूँ इस पर रेफरेंडम ये जनता का, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया, और बहस के लिए कई सारे समीक्षक इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि पहली बात तो इतना जीतेंगे, दूसरी बार अंतर इतना रहेगा, ये किसी को नहीं था। लेकिन जब जनता वोट देती है, जब जनता उसको प्रतिसाद देती है, जब जनता स्नेह उंडेलती है, तो इसी तरह होता है। हम हाटपिपलिया की बात करें, मांधाता की बात करें, जो 7 सीटें मेरे पास थी उसमें लोग कह रहे थे कि ये सीटें बहुत मुश्किल है और टफ है, जाते जाते कहा कि हाँ ये ठीक है, बराबरी में आ गई, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि कितनी ऊपर आके निकल जाएगी ये। लेकिन शिवराज जी के रोड शो जो हुए, जो कनेक्ट हुआ उनका जनता से, उसमें खास करके महिलाओं का और युवाओं का, लाडली लक्ष्मी हो, महिलाओं की योजना हो, दूरदर्शन, उसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो महिलाओं के जो प्रसव की जो योजनाएं थी, कई लड्डू की, इसकी 25,000 जैसे लैपटॉप की थी, मेघावी छात्राओं की, छात्रावास की, ये योजनाओं का अपील किया और उस योजनाओं को बाधित किया। 200 योजनाएं कमलनाथ जी की सरकार ने बंद कर दी, और जो कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, विधानसभा में उनके प्रश्न का उत्तर था कि हमारे पास ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है, युवा स्वाभिमान योजना तो युवा अपमान योजना बन के रहेगी, ऐसी कई सारी योजनाएं जो कागज पर, हम बैंड बजवाएंगे, नहीं, हाँ बैंड बजाएंगे, ढोर चराएंगे,
और ये कहा था कि हम 100 दिन का रोजगार देंगे, उसके बाद 70% को स्थायी नौकरी देंगे उसमें से, ये उनका उस समय वादा था। लेकिन जब किसी विधायक ने प्रश्न पूछा तो उनका उत्तर था कि हमारे पास तो इसी को योजना विचाराधीन है, रोजगार के लिए हम बैंड बजाना ढोल चराने की ट्रेनिंग देंगे। तो ये कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इन्होंने जो उपहास उड़ाया मध्य प्रदेश की जनता का और अपनी मस्ती में मदमस्त जैसा उनका पूरा शासन प्रशासन चला, जिसमें कांग्रेस के विधायकों को क्यों जाना पड़ा बाहर, क्योंकि मिलते का टाइम नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई गरीबों के पट्टे देना वो तो सामान्य काम था, केवल एक हस्ताक्षर करना है और आदेश निकालना है वो नहीं हुआ, 5 रुपये बोनस देना है दूध में वो नहीं हुआ, 5 रुपये डीजल पेट्रोल में कम करने का उनके बिंदु में 5वां 6ठा ही बिंदु था वचन पत्र में। कर्ज माफी की बात जहाँ तक थी तो वो 10 दिन में हम कर देंगे। फिर लोकसभा चुनाव आ गए, लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने पूरे सिम्टम देखे बीमारी के कि यार वो तो बहुत बढ़ गई बीमारी और तो कम बीजेपी कांग्रेस हार जाएगी, तब उन्होंने एंड टाइम पे एक ट्वीट किया कि नहीं, जैसे ही चुनाव खत्म होगा आचार संहिता समाप्त होगी मैं 2 लाख के कर्जे माफ़ कर दूंगा। लेकिन जनता ने देख लिया कि ये वादा खिलाफी करते हैं, 28 सीटों में जिस बड़ी मार्जिन के साथ इनके उम्मीदवार खेत रहे, उनके बेटे जीत पाए, उसके केवल अकेले बेटे जीत पाए थे, वो भी संघर्षरत, मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत लगा दी थी, उसके बाद ये चुनाव हुए। आपको रोकते हुए जयश्री से ये बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रचारकों ने शिवराज को निशाना बनाया और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, दिनेश गुर्जर कह रहे थे कि नंगे भूखे घर से शिवराज आते हैं, प्रमोद कृष्णन ने कहा कि भाई 3 मामा हुए और बड़े शातिर मामा, वो शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। प्रमोद कृष्णन ने तो और भी कई सारे ऐसे शब्द जिनका उच्चारण मैं नहीं कर सकता यहाँ, और केवल प्रमोद कृष्णन ही क्यों, मैं आपकी बात को बीच में इसीलिए आगे बढ़ा रहा हूँ, दिनेश गुर्जर हो प्रमोद कृष्णन हो, खुद कमलनाथ, खुद उनकी पार्टी के लोग, उनके पास कोई मुद्दा विकास सुशासन का था ही नहीं, उनके पास तो ये चरित्र हनन की राजनीति थी। ग्वालियर चंबल में देखो या कहाँ, इनके जितने भी दूसरे नेता थे वो सब लगे थे सिंधिया को भूमाफिया ठहराने में, शिवराज को भ्रष्ट ठहराने में, केवल चरित्र हनन की राजनीति की, लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है। वही मैं जैसे से वही सवाल करना चाह रहा था कि इस तरह की भाषा, इस तरह की शैली मध्य प्रदेश की राजनीति में हमने पहली बार देखी, और शिवराज का उसमें जो जवाब आता था वो बहुत ही एक शालीनता बरकरार रखते हुए सरकार बनते हो कि हाँ भाई मैं तो गरीब परिवार से हूँ, मैं तो भूखे नंगे परिवार से हूँ, मैं आप कुछ भी कह लीजिए, तो ये अंतर रहा और इसने कहीं जनमानस का, खासकर महिला मतदाताओं का मन बनाया कि भाई इस तरह गाली गलौज हम स्वीकार नहीं करेंगे, इसका कुछ लाभ भाजपा को और शिवराज को मिला। हाँ, कहा जा सकता है ये कि ये जो कैंपेन रहा पूरा, उसमें कांग्रेस एक तरह से बहुत ही फेल्योर साबित हुई है। जो इलेक्शन कैंपेन होता है, जो प्लानिंग होती है, मतलब एक तरह से एक जो एक निगेटिव कैंपेनिंग के साथ उन्होंने जो शुरुआत की अपनी, चाहे फिर वो 22 लोगों को लेकर जो उनका एक नैरेटिव खड़ा करना चाह रहे थे सिंधिया के खिलाफ, सिंधिया के लोगों के खिलाफ, वो भी उनको भारी पड़ा। टिकाओ बिकाओ वो जो चलता रहा, गद्दार चलता रहा, वो तमाम जो चीज़ें चलती रही। दूसरा फिर उन्होंने शिवराज पर अटैक किया, तो शायद ये उनकी स्ट्रेटेजी का फेल्यूर रहा। उनको शायद ये समझ में नहीं आया कि जब आप बहुत ज़ोर से गेंद फेंकते हैं और फिर जब बैट्समैन होता है, जब उसको वो बाउंसर को जब हल्की सी टर्न करता है अपनी बैट को, तो वो मालूम पड़ता है वो सिक्सर जाता है। तो वो जो निगेटिव बॉलिंग थी उनकी, जो निगेटिव उनका अप्रोच था, उस अप्रोच ने भी बहुत कुछ शिवराज को, बीजेपी को बड़ा फ़ायदा पहुँचाया। कि लेकिन उसके बाद की मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो कैंपेन स्ट्रेटेजी थी उसमें गद्दार और खुद्दार, इसको हमने उनके सर पर मंढा और वो लोगों को रुचा और पचा भी। कैसे कि इन्होंने जो लोग छोड़ के आए वो वचन भंग किया, वादा खिलाफी की, तो गद्दारी तो आपने जनता के साथ की, कमलनाथ गद्दार है जनता का, इसलिए हमने एस्टेब्लिश किया। और ये जनता को आपने देखे इतने सारे जो वोट मिले, उसका कारण ये, उन्होंने ये जनता तय करेगी भाई आप कौन गद्दार खुद्दार कहने वाले, यदि वो आप कह रहे हैं बिक गए पैसा ले लिया, तो ये जनता तय करेगी, उनको अनुभव ज्यादा है। लेकिन जनता का अनुभव ये आया चीज है कि बीजेपी चाहे केंद्र की राजनीति में हो या स्टेट की पॉलिटिक्स में हो, बीजेपी कैंपेन में, चुनाव कैंपेन में हर चीज में बहुत भारी है, सोशल मीडिया में बहुत भारी है। कांग्रेस के पास नहीं, भारी इसलिए है कि भाई आप बोलेंगे जैसे नीच कहा मणिशंकर अय्यर ने, नीच कहा मणिशंकर अय्यर ने, नीच कहा या नालायक कहा कमलनाथ ने,
तो क्यों हम क्यों ये साधु संतों की मंडली में तो है नहीं, हम उसको जनता के बीच में नहीं ले जाएंगे। गोविंद जी मैं आपसे ही जानना चाह रहा था कि देखिए शुरू में ऐसा लग रहा था जब शुरू हुआ चुनाव प्रचार तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि ग्वालियर चंबल संभाग में आकर कमजोर पड़ रहे हैं, आपकी सीटें कम आ रही हैं, थोड़ा सा लग रहा था कि वहां पर जो है वो गद्दार का मुद्दा बिकाऊ का मुद्दा क्लिक कर रहा है, और खासकर जो आपके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे जो सिंधिया जी के साथ आए थे उनका एनडीएन के एमबीसी भी था, उनको लेकर नाराजगी थी क्षेत्र में, करेरा में हो, गोवद में हो, या दिमनी में हो, सुमावली में हो, बहुत सारी जगह पर उनकी लेकर नाराजगी भी थी। उस समय अचानक आपकी रणनीति के तहत और जैसे ही शिवराज आए आखिरी के चार पाँच दिनों में, रोड शो किए, शिवराज की सभाएं हुई, एक एक दिन में पांच पांच सभाएं हुई, उसके बाद चंबल की ग्वालियर की फिजा बदलना शुरू हुई। और जो यूएसपी है शिवराज की कि वो जब जाते हैं तो जनता से कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद उन्होंने वहाँ कहीं ना कहीं माहौल जो बनना शुरू हुआ, तो आप बहुत सम्मानजनक स्थिति बोल के नतीजे बताते हैं कि 9-7 आपको सीट मिल गई, 7 मिल गई, और आपके जीतने वाले उम्मीदवारों का नंबर भी बढ़े। क्या ये परिवर्तन जो चंबल में आया जिसके लिए आप कह रहे थे कि सिंधिया जिम्मेदार है, सिंधिया को ही चंबल जिताना है, पहले तो यही तय हुआ था, लेकिन चंबल जीते आप उसकी वजह से कि शिवराज वहां में? देखिए प्रतीक जी, जब ये लोग बीजेपी में आ गए तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है और जो कैंपेन चलाते हैं वो सबके पास अपने अपने अलग अलग काम हैं। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर जी संगठन के कुशल माहिर ज्ञाता हैं, उनको लगाया नीचे किसी तरह की नाराजगी को दूर करने में और लगातार बैठकें ले गए और मोबिलाइज करने में हमारी मशीनरी को। शिवराज जी जो मुख्यमंत्री थे तो उनका कैंपेन जो कि कैसी 15 महीने की सरकार चली, कैसा 15 साल का हमारा कालखंड था उस पर था। और सिंधिया जी का अपना ये था कि भाई आप कैसे छोड़ के आए और लोगों को उद्वेलित करना कि आपके जो वचन दिए थे हम नहीं निभा पाए और सरकार ने नहीं निभाने दी इसलिए हम छोड़ कर आए। तो ये दोनों तीनों चीज़ें एक साथ मिलकर उस कैंपेन का हिस्सा बनी। जहाँ तक एंटी इनकम्बेंसी का आपके उम्मीदवारों का सवाल है, यही तो बात थी कि ये लोग छोड़ के आए, कि जब ये लोग इतना नहीं समझते हैं, एक तो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, हमारे यहाँ की मालवा निमाड़ की तासीर अलग है, ग्वालियर चंबल की तासीर अलग है, वहाँ अब ये चुनाव समाप्त हो गए इसलिए मैं कह सकता हूँ आपको कि वहाँ जातिवाद भी है, वहाँ थोड़ा सा बहुत एटामेंसी भी है कि नहीं हमने जो तय कर लिया वही तय कर लिया कि इसने हमारा काम नहीं करा, तो वो भी कहीं नाराज़गी उनके प्रति थी, उम्मीदवारों के प्रति, उनके उन्होंने जो कमिटमेंट करके आए तो वो नहीं पूरे कर पाया। बार बार समझाने के बाद आज इस स्थिति में आए। देखिए आप अशोकनगर हम कैसे जीते, मुंगावली कैसे हार ही रहे थे, कैसे जीते मुंगावली, आप देखिए मुंगावली का कैसा ज़बरदस्त रिजल्ट रहा। पौरी जीते हम जिसमें बसपा लोग आगे बता रहे थे, कई सारे विश्लेषक जोरा बता रहे थे, वही आपसे जानने जा रहा हूँ कि तो कुल मिलाकर ने जो आखिरी के चार पांच दिनों में आपने एक रोड शो किया जिसमें सभी का काम है। देखिए मैंने आपको यही बताया, रोड शो का मैंने कहा था, हाट पिपला का बताया आपको, वहाँ का बताया, सारे रोड शो के अलावा कार्यकर्ताओं को संभालना, कार्यकर्ता जो उद्वेलित थी भाई दूसरी पार्टी से आए हमारे यहाँ, क्योंकि देखिए ग्वालियर चंबल में कार्यकर्ता भी एकदम एक्सेप्ट नहीं करता किसी को, मालवा निमाण में तो सहज सबको स्वीकार करता है, वहाँ एकदम करता भी नहीं, उसको भी मोबिलाइज करके लगाना, पार्टी संगठन को पूरी तरह से उसमें झोंकना, और हमारी जो मतदान केंद्र की इकाई है जिस पर हम नाज करते हैं उसको पूरा एक्टिव करना, ये सब काम जो है ये पूरी टीम ने किया, ये तीन लोगों ने। वैसे नारा तो कांग्रेस ने दिया था, एक बूथ 30 यूथ। देखिए नारे तो बहुत सारे दिए कांग्रेस ने, एक बूथ 30 यूथ का भी दिया उन्होंने, उसके पहले भी कई सारे नारे दिए, गरीबी हटाओ का दिया, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं, हैं हम प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं, ऐसे कई सारी बातें कही। ये स्लोगन तो बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में, लेकिन जब जमीन पर उतरता है, जब खुद जाते हैं, खुद की जमीन पोली हो जाती है, जनता की पोली कर देते हैं और देश का बंटाधार कर दे। केवल मध्य प्रदेश की बात क्यों करें प्रतीक जी, हम आज पूरे सीनेरियो के देखें, बिहार के चुनाव को देखिए आप, 27 सीटें थी कांग्रेस के पास, 19 रह गई, गुजरात में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में कौन से नंबर पे गए, 3रे नंबर पे गए, तो ये कांग्रेस को खुद का जब्त हो गई उत्तर प्रदेश, अंतरावलोकन करना चाहिए कि आप कौन से मुद्दे अब जनता में चरित्र हमें देखिए, शब्द हिंसा जो है कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं, लेकिन शब्द हिंसा सुनने के लिए भी कोई हमारे कांग्रेस नहीं नहीं है, पर आज मैंने बहुत कोशिश की कांग्रेस शब्द हिंसा, शब्द हिंसा जनता में, तो जनता के मूड का बता रहा हूँ, जनता का मूड ये नहीं पसंद करता कि आप शब्द हिंसा करें, आप तो अपनी बात कहें और आपने जो किया उसका बात करें। क्या जयश्री जी आप ये मानती है कि देखिए अगर आप 2018 के चुनाव के नतीजे देखें, प्रद्युम्न 21 से जीते, अब 33 से जीत गए,
जो है जो लोग 350 से जीते थे हरदीप सिंह डंगा प्रतीक जी मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूँ तुलसी सिलावट और हरदीप सिंह डंग से दोनों से मेरी बात हुई जब मैं इस दौरे पे था तो उन्होंने कहा एक बहुत ही रेखांकित करने वाली बात उन्होंने कही उल्लेखनीय जैसी कि पहली बार हमको ऐसा लग रहा है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। क्यों बोले कि अपने आप ही सब काम हो रहा है अपने आप तेरा काम हो रहा है होने के बावजूद भी उनमें खूबी ये है कि वो अपने आप को बहुत डाउन लाइन पे रखते हैं। वो जो संवाद जो है ना कनेक्ट होता है ना जैसे वो इसलिए जनता के साथ जो कनेक्ट होता है सवाल ये था कि ये जो लीड बड़ी है सारे मतदाताओं के आप देख लीजिए जो भी जीत के आए 19 उनके पिछले चुनाव की तुलना में लीड बढ़ गई है इसलिए बड़ी और बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, नहीं, क्या वो शिवराज फैक्टर था नहीं, नहीं, लीड को बढ़ाने फैक्टर देखो भारतीय जनता पार्टी शिवराज फैक्टर तो है ही क्योंकि शिवराज जी तो मुखिया हैं कैप्टन हैं निश्चित रूप से और उनकी जो रैली और सभाएं हुई जो उन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल का बखान किया और जो लोगों को लाभ पहुंचा जैसे नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो जो वहाँ बिहार में या कहीं भी यहाँ भी तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना उज्ज्वला योजना ऐसे ही लाडली लक्ष्मी योजना अभावांतर योजना किसानों के लिए योजना चमाने भर की तमाम योजनाओं की बात करते मेघावी छात्र योजना कि भाई हमने तो बच्चों इन्होंने ये अरे 51,000 की बात की विवाह कन्या विवाह निकाह की कमलनाथ ने लेकिन एक रुपया नहीं दिया। देखिए आप करके उसकी वजह से नहीं नहीं आप वादा करके नहीं निभाओ 51,000 बच्चे पैदा हो गए तब तक 51,000 नहीं मिले ये सरकार ने दिए ये उनको मालूम है लोगों को इसके मर्म को चोट करती है बात। तो वो मेरा जो सवाल जैसी था कि ये जो एक लहर चली है क्या इसको हम शिवराज वेव कह सकते हैं निसंदेह बिल्कुल कहा जा सकता है उसको शिवराज वेव लेकिन इसको साकार करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन की ताकत है वो जो ताकत झोंकी गई है इस बार शिवराज के लिए बूथ कार्यकर्ता ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी संघ के साथ कोऑर्डिनेशन भारतीय जनता पार्टी में यही होता है तालमेल है उनका मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बीडी शर्मा को चुने कह रहे हैं तो या दीपक विसपुते जी की कोई एडवाइस है या मान लीजिए सुहास भगत की कोई एडवाइस है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो एक सबमर्जिंग पर्सनालिटी है उनकी सबके साथ शामिल होने का जो अंदाज है उनका लोकतांत्रिक तरीका है दिमाग में काम करने का। कमलनाथ जी को देखिए आपको दिखेगा कि वो एकमात्र नेता थे कांग्रेस में जो एकमात्र रैलियां कर रहे थे तकरीबन 37 रैलियां उनके साथ है और तकरीबन 10 से ज्यादा रोड शो है और बाकी आप दूसरे नेताओं को जब देखेंगे कांग्रेस को नहीं, देखेंगे तो क्यों का संगठन कहाँ है दिग्विजय सिंह बैकडोर में थे पूरी तरह से रणनीति बना रहे थे नहीं रणनीति नहीं जैसे वो दिक्कत ये थी उनके पास कोई चेहरा नहीं था। 30 सीटों पे काम कर सकते हैं नेता जितवा सकते हैं वो तमाम नेता वो तमाम दृश्य कांग्रेस का पूरी तरह गायब था सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर चल रहा था। आप तो ये देखिए प्रतीक जी वो देखिए वैसे आपने मन में ही शो था पूरी तरह से जैसे आपने कहा हमारा आपने कहा कांग्रेस की जो सेकंड लाइन है अब 3 युवा लीडर जो है वो बदनावर में लगे थे हनी बघेल उमंग सिंगार बाला बच्चन उन 3 पर भारी पड़ गए राजवर्धन उसने क्या करा उमंग सिंगार ने वहां आपको शायद ध्यान हो तो जिस दिन मैं वहीं था बदनावर में और मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उसका जवाब दिया उसने कहा कि सिंधिया ने मेरे को 50 लाख का ऑफर दिया चुनाव के बीच में बोल रहा है 50 करोड़ का सॉरी 50 करोड़ का ऑफर दिया तो फिर मैंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इसने दिग्विजय सिंह के लिए क्या कहा था कि ब्लैकमेलर है ये चोर है ये है ये है तो ये मैंने कहा ना अब आप चुनाव के समय कह रहे हो कि मेरे को 50 करोड़ का ऑफर दिया था कौन आपकी बात को स्वीकार करेगा आपके पास मुद्दे नहीं आपको जो काम करना है वो कर नहीं रहो जैसे जयसिंह बताया ना कि नेता तो इनके पास ऐसे थे ही नहीं उजले कि जो जनता के बीच में ले आता है अरुण यादव के दोनों उम्मीदवार ये यहाँ वो कहीं नहीं थे। दूसरी बात क्या है कि दिग्विजय सिंह को हमने ही प्रोवोकेट किया दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं सामने ला रहा हूँ फिर आखिरी में सामने लाए 3-4 जितनी सीट पर गए प्रतीक जी आप उनका आकलन करा के देखिए वहाँ कितने बुरी तरह हाल नहीं ब्यावरा में जीते हैं वो ब्यावरा में गए थे ब्यावरा में जीते हैं वो हालांकि वो जो प्रेमचंद गुड्डू के लिए आए थे बमोरी गए थे मुंगावली गए थे अशोकनगर गए थे तो बमोरी देखिए वो राजनीति को एक तरह राजनीति में जो ब्यावरा वो जीते हैं राजनीति में जो एक मस्खरों की आवश्यकता होती है ऐसे वो आनंद ले रहे हैं उनको कोई गंभीरता नहीं है न तो पार्टी गंभीर मानती है न जनता गंभीर मानती है।
लेकिन अब दिग्विजय सिंह पर मैं कभी फिर से आपसे आपके साथ बहस करूंगा, वो बहुत ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पहली पसंद है, बहुत लोकप्रिय नेता है कांग्रेस में निश्चित रूप से, और बहुत जुझारू है, जनता में होना चाहिए ना। अभी देखिए हारने के बाद वो जिस तरीके से कांग्रेस का बचाव कर रहे हैं सामने आ रहे हैं, और आज तो उन्होंने नीतीश कुमार को भी सलाह दे डाली कि नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए, वो एक अलग विषय है, उनके हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन शिवराज के ऊपर तमाम आरोप लगते रहे कि हम जब 15 महीने की हमारी सरकार 28 तारीख को बनने जा रही है, हम फिर से कमलनाथ जी शपथ लेने जा रहे हैं, इस बार हम छोड़ने वाले नहीं हैं, इस बार हमारे पास व्यापम है, डंपर है, टेंडर है, ये घोटाला है, और इसका जिस कभी शिवराज ने जवाब देना तक उचित नहीं समझा गोविंद जी। नहीं क्यों देंगे, आपने अपने वचन पत्र में लिखा था कि ये घोटाले किए हैं, इसकी जाँच करेंगे, 15 महीने हो गए, आपने क्या करा, हम तो इनको चुनौती दे रहे थे कि करिए आप, आपने एक ही वादा पूरा नहीं करा जनता के साथ कि हमके घोटालों को उजागर तो करते भाई तुम कुछ है, तो ये केवल शिगुफेबाजी है, इसमें कई तथ्य मिलते तो ये दूसरे दिन जेल में डालते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जिस तरह से इन्होंने क्रैश करना चालू कर दिया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, व्यक्तिगत रूप से इनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था पूरी सरकार में, इन्होंने जन विकास के काम नहीं किए, ये विनाश करने की तैयारी उनकी जो थी उसमें किसी को मुरव्वत नहीं करने वाले थे, लेकिन कुछ था ही नहीं, तो ये जो झूठ जनता के बीच में, अब फिर कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और इनकी खुद की रिपोर्ट इनको नहीं मिली जो सीएस के उन्होंने बनाई थी, उसको अटाले में ढूंढ रहे थे, ये कुछ था नहीं ना, ये तो फिजूल की जो जनता इस बात को पसंद नहीं करती, जनता पसंद करती है आप ट्रांसपेरेंट रहो। शिवराज जी जाते हैं, अपनी बात कहते हैं और जनता से कनेक्ट होते हैं, और वो बात से उनसे सहमति दर्ज करवाते हैं सभाओं में कि हाँ ऐसा था क्या, ये एक सीधा सवाल जनता के बीच में उछालते हैं। उमा भारती ने एक अच्छा कमेंट किया, उन्होंने कहा, उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर लीडर यानी शिवराज, प्रलयकारी यानी सिंधिया और शुभंकर यानी वीडी शर्मा, ये त्रिमूर्ति जो है ये भारतीय जनता पार्टी को अगले 10 साल तक सत्ता में रखने वाली, ये उनका कमेंट है कि इस विजय का श्रेय इन 3 त्रिमूर्ति को है, लीडर, प्रियंकर और शुभंकर। इसको किस तरह से आप व्याख्या करते हैं, और सिंधिया की बहुत तारीफ कर रही है उमा भारती, तो इसको किस रूप में लेंगे आप जय श्री जी? देखिए उमा भारती जी के परिप्रेक्ष्य में कहें तो उमा भारती जी का संबंध सिंधिया राजघराने से बहुत ही नजदीकी है, राजमाता जी ने उनको राजनीति में प्रमोट किया, उनको लाई, वो राजनीति में थी जब वो छोटी थी, तब वहां पर रामायण करती थी, कीर्तन करती थी, प्रवचन करती थी उनके साथ में, तो उनका रिश्ता बहुत अलग किस्म का है। और आप देखिए कि जब सिंधिया बीजेपी में आए तो उसके बाद जो एक ममत्व, एक प्यार, एक करुणा, जिस हिसाब से वो सिंधिया से मिली उज्जैन में, उसके आप तस्वीरें देखें, वो सब देखें, तो आपको लगता है कि उनका एक अलग किस्म का बॉन्डिंग है, अलग किस्म का रिश्ता है। और आज उमा भारती जो कह रही हैं, क्योंकि उमा भारती ने भी एक समय में बहुत मेहनत की है, 10 साल की दिग्विजय सिंह की सरकार को उखाड़ने में जो रोल उमा भारती ने अदा किया उस समय 2003 के चुनाव में, उसकी उसका कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता, जिन्होंने भारतीय पार्टी को बीजेपी की फायर ब्रांड नेता है, और वो जो कहती है आप देखिए सारे लोगों के कमेंट्स एक तरफ रहते हैं, और उमा भारती जब कहती है तो इतनी चोट वाली बात, इतनी मुद्दे की बात, आज भी मतलब उनका जो पॉलिटिकल सेंस और आईक्यू है वो बहुत गजब का है, तो उनका जो कहा गया वो मार करने की जो क्षमता है, उन्होंने उमा जी की जो मार क्षमता रिकॉग्नाइज करने वाली बात है कि उन्होंने शिवराज को लीडर कहा है। देखिए प्रतीक जी, मैंने अभी आपसे कहा कि शब्द हिंसा, लेकिन शब्द में जो मारक क्षमता होती है, एक तो ये गालियां बककर बोली जाती है, दूसरी अच्छे शब्दों में मारक क्षमता होती है, वो उमा जी में है कि वो शब्द का किस तरीके से उपयोग करें। मैं जो मुद्दा आपको रेखांकित करना चाहता हूँ गोविंद जी, कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि उमा जी ने शिवराज के लिए लीडर शब्द का इस्तेमाल किया, नेता। उमा जी मूलतः भावुक, सच में नेता है, जो नेता वो होता है जिसको लोग फॉलो करें, जिसको लोग जिसके पीछे चल पड़े, और ये हमने चुनाव में देखा कि शिवराज के पीछे लोग चले, शिवराज की बात लोगों ने मानी, और शिवराज ने जो कहा वो लोगों ने अंगीकार किया, स्वीकार किया, और कमलनाथ और कांग्रेस की पूरी टीम जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, जो भाषा लगा रही थी, उसको मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, और इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इस महाजीत का महानायक अगर कोई है तो शिवराज सिंह चौहान। नो डाउट। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए, देखते रहिए डीजीएनए न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।